अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज किस न्यू वीडियो में हम दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के एडमिशन की मुकम्मल मालूम शेयर करेंगे, उनके एडमिशन गाइडलाइन, उनका फीस स्ट्रक्चर, उनमें कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करवाए जाते हैं, उनमें स्कॉलरशिप पॉलिसी, और उनमें अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, उसकी तमाम तर मालूम इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो डेयर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो डेयर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की वेबसाइट ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर 30,000+ स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, जबकि 200+ डिग्री प्रोग्राम ऑफर करवाए जाते हैं। यहाँ पर PhD फैकल्टी 380+ पीपल हैं। बॉडी सर्टिफाइंग ऑल ओवर डिग्रीज नोटिफिकेशन, यहाँ पर इनकी मुकम्मल मालूम दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो कि लाहौर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होता है। अगर हम पहले एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मेंशन है, जिसमें फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, MS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, PS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BMS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, PhD मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BS सिविल इंजीनियरिंग, MS सिविल इंजीनियरिंग, PhD सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर करवाए जाते हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में BS इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, बायोकेमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर करवाए जाते हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ IT में BS कंप्यूटर साइंस, MS कंप्यूटर साइंस, MS डेटा साइंस और PhD कंप्यूटर साइंस। फिर इसके बाद BS एम्बेडेड सिस्टम में BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और PhD सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम ऑफर करवाए जाते हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, MPhil फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, MPhil फार्माकोलॉजी, MPhil फार्मास्यूटिकल, MPhil फार्माकोलॉजी, PhD फार्मास्यूटिकल और PhD फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर करवाए जाते हैं। फिर इसके बाद फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर में BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, BS उर्दू और MPhil उर्दू के प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर करवाए जाते हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस में BS फिजिक्स, BS मेडिकल फिजिक्स, BS मेटेरियल फिजिक्स, MPhil फिजिक्स, PhD फिजिक्स, BS इन्वायरमेंटल साइंसेज, MPhil इन्वायरमेंटल साइंसेज, PhD इन्वायरमेंटल साइंसेज, BS केमिस्ट्री, MPhil केमिस्ट्री, PhD केमिस्ट्री और इसके बाद BS मैथमेटिक्स, MPhil मैथमेटिक्स, PhD मैथमेटिक्स के प्रोग्राम शामिल हैं। इसके बाद इमर्जिंग अलाइड हेल्थ टेक्नोलॉजीज में BS न्यूरोफिजियोलॉजी, कार्डिक टेक्नोलॉजी, कार्डिक परफ्यूम टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BS सपोर्ट साइंस, MPhil सपोर्ट साइंस, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, आर्डियोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच लैंग्वेज। इसके बाद रिहेबिलिटेशन साइंसेज, हेल्थ प्रोफेशनल टेक्नोलॉजीज में BS सर्जिकल टेक्नोलॉजी, BS एमरजेंसी टेक्नोलॉजी, BS इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, BS क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी, OTT के प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर करवाए जाते हैं। इसके बाद BS ऑप्टोमेट्री में बैचलर ऑफ वीएन साइंसेज और पब्लिक हेल्थ में BS पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर करवाए जाते हैं और इनके एडमिशन यहाँ पे ओपन है। इसके बाद डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, MPhil फिजिकल थेरेपी, MS फिजिकल थेरेपी के प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर करवाए जाते हैं। इसके बाद BS ह्यूमन एंड न्यूट्रिशन डाइट्स, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MPhil फूड साइंस और PhD फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर करवाए जाते हैं। इसके बाद BS MLT, MPhil इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी और यहाँ पे आप मुख्तलिफ प्रोग्राम भी देख सकते हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस में BS रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BS मेडिकल अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम यहाँ पे ओपन है। इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में BS जोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद MPhil प्रोग्राम में फॉरेंसिक साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, साइकोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम शामिल हैं। इसके बाद PhD प्रोग्राम में फॉरेंसिक साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी और जोलॉजी के प्रोग्राम शामिल हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इसके बाद BS फैशन डिज़ाइन, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, BS मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, BS BA फिल्म एंड टेलीविजन, BS एनिमेशन एंड, इसके बाद ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। इसके बाद BBA, BS ह्यूमन रिसोर्स, BS डिजिटल मार्केटिंग, BS इकोनॉमिक्स, MPhil इकोनॉमिक्स, PhD इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम में यहाँ पर एडमिशन ओपन है।
बीएस एविएशन मैनेजमेंट स्कूल ऑफ अकाउंटिंग है, फिर यहाँ पर भी मुख्तलिफ प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के प्रोग्राम में भी एडमिशन ओपन है। एडमिशन ऑफिस इज़ ओपन ऑन सैटरडे एंड संडे, और यहाँ पे आपको 100% मेरिट बेस स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। तो यहाँ आप मज़ीद मालूमात और इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी देख सकते हैं। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो बैचलर ऑफ साइंस इन ओटीटी रेस्पिरेटरी थेरेपी स्पीच एंड लैंग्वेज ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन एचएनडी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीएन साइंसेस साइंस इन इकोनॉमिक्स एलिमेंट्री स्कीम ऑफ स्टडीज साइंस एजुकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन्वायरमेंटल साइंसेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम पावर एंड एनर्जी सिस्टम बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जोलॉजी इस्लामिक स्टडीज क्रिमिनोलॉजी लॉ बीबीए नर्सिंग बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग मैथमेटिक्स स्टेटिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेबॉरटरी साइंसेज पब्लिक हेल्थ फार्माकोलॉजी फिजिक्स इमेजिंग साइंसेज मेडिकल अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन सोशियोलॉजी फिल्म एंड टेलीविजन मीडिया एंड मैथ स्टडीज सिविल इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी BDS, MBBS, टैक्सेशन फिनांस टेक्नोलॉजी कॉमर्स, और यहाँ पर ये मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑफर करवाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनके बाद इनके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। आप अंडर ग्रेजुएट लेवल टेस्ट सैंपल भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इन तमाम प्रोग्राम का कैंपस में पहले टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट इज़ कंपल्सरी फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। यहाँ पर आप फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का फीस स्ट्रक्चर, फिजिक्स साइंसेज लैंग्वेज फार्मेसी लॉ और इन तमाम प्रोग्राम का आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लाहौर स्कूल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर मैनेजमेंट साइंसेज सोशल साइंसेज के फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप तमाम प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर हम इसके बाद स्कॉलरशिप पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप एंड फिनेंशियल एड मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज दी गई हैं, जिसमें प्रोग्राम में अगर आपके 70+ मार्क्स हैं तो आपको 20%, अगर आपके 75-80% मार्क्स हैं तो आपको 30%, अगर आपके 90% अबव मार्क्स हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। और साइंसेज के प्रोग्राम में आपके अगर 100% स्कॉलरशिप पोजीशन होल्डर को 90% पे 90%, और ये तमाम डिटेल दी कि आप इनको एक दफ़ा रीड आउट कर सकते हैं। अगर हम अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम की बात करें तो जिनके 80% मार्क्स हैं उनको 40%, 85 वालों को 50% और 90 अबव मार्क्स वालों को 75% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जबकि इसके बाद अगर हम फार्मेसी के प्रोग्राम में स्कॉलरशिप की बात करें तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में जिनकी 90% मार्क्स हैं उनको 50%, 95% वालों को 75%, जबकि पोजीशन होल्डर को 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। आप इनकी तमाम मालूमात यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इसके बाद एडमिशन की बात करें तो आपने अप्लाई कैसे करना है, तो आपने सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपने रजिस्टर पासवर्ड और ईमेल पुट करके आपने लॉगिन कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, जिसमें लाहौर कैंपस की इंफॉर्मेशन दी गई है और इसके बाद सरगोधा कैंपस की भी इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर इनके हेल्पलाइन नंबर, आप यहाँ पर मैसेज भी लिख सकते हैं। तो डेयर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर केयर काउंसलिंग और एडमिशन की तमाम तर मालूमात शेयर की जाती हैं और तमाम एडमिशन की इन्फो यहाँ पर शेयर की जाती हैं। तो डेयर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।